हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे मोटो जी 8 पावर लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आपकी व्हाट्सएप की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी व्हाट्सएप की कॉल जो है स्क्रीन पर शो नहीं होती है ना, तो आपको सबसे पहले करना ही है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन का साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है तो स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा ना, आपका मोबाइल फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है ना, तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, व्हाट्सएप की कॉल स्क्रीन पे शो नहीं होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने व्हाट्सएप को रीसेट करना है। ठीक है, व्हाट्सएप को रीसेट करने के लिए व्हाट्सएप ऐप को जो है उंगली से दबा के रखना है। एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इस पेज में देखिए ऐप इन्फो लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर ऐप इन्फो के सामने जो सर्कल में आई बटन बना हुआ है इसे टैप करना है। ठीक है, आपका ना व्हाट्सएप का ऐप इन्फो का ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको जो है अगले पेज में ये दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पर टैप करना है और नीचे की नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है तो ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको ओके या डिलीट का ऑप्शन होगा, इसे टैप करना है। आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने व्हाट्सएप को ना रीसेट कर देना है और आपकी जो व्हाट्सएप की इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर शो नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना ये है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सिस्टम जो है एक बार चेक कर लेना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो देखिए हमारा मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना, वो अपडेटेड ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है। उनमें से एक कमी ये होती है, व्हाट्सएप की कॉल स्क्रीन पे शो नहीं होती है, उनमें से एक ही होती है, ऐसी बहुत सारी कमियां आती है। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सबसे पहले इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट, तो आपको नीचे की साइड सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को आप टैप करिए तो आपका जो है ना सिस्टम अपडेट का पेज आएगा। इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेट हो जाएगा और आपके जो व्हाट्सएप की इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक काम और करना है आपको, आपका ये जो व्हाट्सएप है ना, आपने प्ले स्टोर में जाकर अपने व्हाट्सएप को भी अपडेट कर लेना है अगर ये अपडेट नहीं है तो। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट कर देना है। देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तभी आपको रीसेट करना है अपने फोन को, अदरवाइज रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, फैक्ट्री रीसेट पर आप टैप करिए तो आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी व्हाट्सएप की कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही है ना, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ठीक है, तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताए ना, सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए तो आपके व्हाट्सएप की जो कॉल स्क्रीन पर जो नहीं हो रही है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।